शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर 7C न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड प्रदेश के जिला देहरादून के विकासखंड कालसी में रामलीला मैदान पर सरदोषव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति कालसी द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने शिरकत की। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में अनेक खेल प्रतिभा है मौजूद है, ऐसे प्रतिभाओं को सामने लाना प्रतियोगिताओं का मुख्य कार्य है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी ने कालसी आगमन पर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। उनके सामने रखे और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जमानत पूरी की जाएगी। लेकिन हाँ, कोई और जगह यहाँ पर ऐसी हो जहाँ पर खेल का मैदान बनाया जा सकता है, कोई जमीन हमको ऐसी मिल जाए, कोई खेत हमको, कोई ऐसी फॉरेस्ट लैंड हो तो यही आसपास कहीं हो, तो हम उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ हर वर्ष हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पर। कालसी के ग्राम कचटा से मरोड़ तक मोटर मार्ग विस्तार कार्य, कालसी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालसी के ग्राम भंजरा से देवदसो तक मोटर मार्ग, कालसी के हमरो ललो मसराड़ मोटर मार्ग का मलेथा गड़ेथा बसाया दातनो बढ़नो तक विस्तार, कालसी के चापनो बैंड से अमराया हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग, चक्राता के क्वांसी मोटर मार्ग से धारकोट हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग, कालसी के ग्राम पंचायत धोयरा के खिला छानी से बेड़ा हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग और मसूरी चक्राता मोटर मार्ग से लखवार होई छनास तक मोटर मार्ग। महोदय, हमारी ये बहुत थोड़ी सी डिमांडें हैं और इसमें से कुछ काम ऐसे जो कि वाकायदा प्रोसेस में है, लेकिन अगर आपकी घोषणा में शामिल हो जाएंगे तो जल्द से जल्द शायद इन काम। जिस कालसी में मान्यवर हम बैठे हुए हैं, मेरे हाथ के बगल में ये पीएससी कालसी है। इस पीएससी कालसी के काम को एफआरयू से लेकर के तमाम सारी सुविधाएं सुसज्जित करने का काम किया और अभी पूरे प्रदेश में जो मैटरनिटी केयर के लिए, चाइल्ड एंड मैटरनिटी केयर के लिए और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, साफ सफाई के लिए जो अवार्ड मिलता है, सीएससी कालसी को इस साल उत्तराखंड में उन अस्पतालों में से एक है जिसको बाकायदे इस बात के लिए अवार्ड दिया गया। सर, 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 हमारी समस्या को रखा सर, एयर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे हमारे जिले हैं नीचे यार। ऐसा है, एयर एम्बुलेंस सर्विस हम 26 जनवरी से राज्य को दे रहे हैं और उसके लिए हमने ट्रायल लिया है। अभी जो एम्बुलेंस हमारे पास आई थी उसमें थोड़ा बहुत कुछ और अमेंडमेंट की जरूरत है। सर, कितनी एम्बुलेंस रहेगी? ये एक एयर एम्बुलेंस रहेगी और उससे जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उससे लाभ मिलेगा। सर, अभी जल विद्युत योजना की बात की जा रही है, देरी लग रही है, दोबारा एक बार उसमें समय बढ़ाया गया, कुछ पेमेंट भी उसके लिए बढ़ाया गया। देखिए, 82 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है लेकिन लखवाड़ पर हमको शुरू करना है बहुत जल्दी। नीचे करो ना यार। और उसमें लगभग जो भारत सरकार की वित्त समिति है, कैबिनेट की, उसका बहुत जल्दी उसको अप्रूवल मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि या तो दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी फर्स्ट हाफ में निश्चित रूप से उसको वित्तीय सहमति मिल जाएगी और हम उसका टेंडर करेंगे और 3 साल में लगभग ये प्रोजेक्ट बनके तैयार किया। सर, लगातार एकदम से देखने में आया है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, एक युवती की रिपोर्टिंग में जान गई है, उसको अटैक हुआ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्घटना है और उसको रोकने के लिए पुलिस को हमने सख्त निर्देश दिए हैं और ऐसे किस्म के जो लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन पर निगाह रखने के लिए उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।